से एक नई सुबह, एक नया दिन एंड अपनी पुरानी वाली जगह पर आकर मुझे काफी ही अच्छा लग रहा है। बट दोस्तों, जब से ये बाबूजी और भागा वापस आए ना, इन लोगों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। इनके अलग ही नखरे चालू है। मुझे बोल रहे कि कुछ काम धंधा कर लूं मैं, ताकि थोड़े से पैसे आ जाए और पैसे आने के बाद बड़ा नहीं तो कम से कम एक छोटा मोटा सा घर ही खरीद लूं। लेकिन इनको कौन समझा यार, इतनी लाख कोशिश करने के बाद भी मैं घर खरीद पा ही नहीं रहा हूं यार। क्या है यार ये, काश यार जेठे मेरा पहला वाला घर टाइम बॉम्ब से नहीं उड़ाता तो आज मैं अपने पहले वाले घर में शांति से रह रहा होता। गाइस, मुझे अपने पुराने घर की बहुत ज्यादा याद आती है। काश मैं वो टाइम में वापस जा सकता और जेठे को बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोक पाता। अरे एक सेकेंड, ये तो शायद मैं कर सकता हूँ, कभी मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो। और अगर मैं अपना थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं तो टाइम मशीन गाइस एक बंदे के पास है। चोरी मोन, अरे अरे सॉरी चोरी मोन नहीं यार, क्या बोलते हो उसको अपना डोरीमोन। लेकिन यार उससे मैं टाइम मशीन कैसे लूं, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसके घर गया था ना, उसने जूते मारकर मुझे वहां से भगा दिया था। और कभी अब मैं जाऊंगा ना उससे मांगने के लिए, तो हो सकता है कि वो अपने कोई से गैजेट से ना मेरी बारा बजा दे। लेकिन गाइस मैंने अपने बाबूजी से सीखा है कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है। ठीक है, फिर बाबूजी का आशीर्वाद लेते हैं और निकलते हैं। बाय लोगो बाबूजी। यार बाबूजी, पिछले महीने नहाया था मैं यार, लेकिन वो सब छोड़ो, अगर मैंने अपने पुराने घर को बचा लिया ना, तो वो घर के बाजू में एक छोटा सा तालाब था, वहाँ पर मैं रोज 5 घंटे नहाऊंगा। चलो तो फिर अब सीधा चलते हैं अपन डोरीमोन के घर पर। ओके तो गाइस, मैं डोरीमोन के घर के बाजू में तो आ गया हूँ, लेकिन यार अगर मैं ऐसे ही उठा के चले गया ना, तो हो सकता है डोरीमोन अपनी 12 बजा दे। और ये देखो वो दोनों नमूने ऊपर ही बैठे हुए। यार छुप जाओ भाई, कहीं अपने को वो देख नहीं ले। लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं। अरे हाँ आइडिया गाइज, आपको तो पता है ना, नोबिता कैसे सुजुका के पीछे पड़ा रहता है, तो कभी भी सुजुका की आवाज में नोबिता को आवाज लगाऊं तो वो नीचे आ जाएगा। और अगर एक बार ही वो नीचे आ गया तो उसका फिर अपन काम तमाम कर देंगे। तो ठीक है, फिर सुजुका की आवाज में अपन नोबिता को नीचे बुलाते हैं। नोबिता इधर आ जाओ। डोरेमोन मुझे सुजुका बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा, बाय। यार ये नोबिता को इतना टाइम क्यों लग रहा आने में यार, इसको अभी तक तो आ जाना चाहिए था। अरे देखो गाइज, नोबिता आ रहा है, छुप जाओ। अरे सुजुका ने तो मुझे बुलाया था, दिखाई तो नहीं दे रही। कहाँ पे सुजुका? सुजुका, अरे कौन है? चलो भाई, एक बंदे को तो अपने डाउन कर दिया है, अब बस वो डोरीमोन की बारी है। और गाइस उसको मुझे मालूम है उसको कैसे निपटाना है। इधर ही किधर बैठा होगा वो मोटा डोरीमोन, देखो वो बैठा हुआ। अपना गाइस मैं इसके कमरे में छोड़ूंगा चूहा, और जैसे ही चूहा छोड़ूंगा देखना कैसे दुम दबा के यहाँ से भागेगा। ये लो। अरे ये तो चूहा है, बचाओ मुझे, ये तो चूहा है, चूहा है, चूहा नो बिना बचाओ। चलो भाई अपना रास्ता साफ, अब अपने को वो चिंदी पिंदी रोक नहीं सकते, तो फटाफट से अपने पुराने घर के बारे में सोचते हैं और सीधा चलते हैं वो टाइम में। चलो भाई, फाइनली टाइम मशीन के अंदर तो मैं आ गया हूँ, अब बस मुझे उस टाइम में जाना है जिस दिन दिवाली थी। पुराने घर में तेरे पास वापस आ रहा हूँ, ये ओके। क्या मुझे ये टाइम मशीन ने वो दिवाली वाले दिन पहुँचा दिया क्या? लग तो रहा है वैसे। लेकिन एक सेकेंड यार, ये टाइम मशीन कहीं मुझे कोई गलत टाइम में तो लेके नहीं आ गई भाई? फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी दया। अरे नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये जगह मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे भाई, ये तो मेरे पुराने घर के पीछे वाला जंगल है। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँ तो शायद मैं अपने घर पहुँच जाऊंगा। यस फाइनली। अरे गाइज वो देखो, वो रहा अपना गैराज। यार यस फाइनली यार, मैं अपने घर पहुंच ही गया यार, मैंने कितना याद किया था इसको। यार ये गैराज मैंने अपने हाथों से इतने मुश्किल से बनाया था, मैं ही जानता हूँ। कहीं भी इसको देखकर मैं तो इमोशनल हो गया, मन कर रहा इसकी चुम्बी ले लूं। और जहाँ तक मुझे याद है इसके अंदर एक छोटी सी बाइक पार्क होगी, वो भी ऑरेंज कलर की। तो देखो गाइस, ये रहा वो बटन, इसको दबाने से नहीं खुलता था। ओ क्या मस्त तरीके से खुल रहा है। ओहो माय गॉड, ये देखो गाइस मेरी बाइक। बाइक तू जानती नहीं मैंने तेरे को कितना मिस किया यार। इस पर बैठकर गाइस मैं रोज सुबह बाबूजी के लिए समोसे लेने जाता था, मुझे याद है सब कुछ। क्या फैंटास्टिक गैराज बनाया था मैंने यार, सही में मेरे हाथों में बहुत कलाकारी यार। कभी गाइस आपको भी कुछ बनवाना हो ना तो मुझे बुला लेना, मैं बना दूंगा। हाँ लेकिन एक सेकंड यार, मुझे एक डाउट है, मैं वो दिवाली वाले टाइम पर ही आया हूँ ना। अरे हाँ हाँ गाइस, वो देखो दिवाली का उधर मेला लगने वाला है, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं एकदम सही टाइम पे आया हूँ, तो ठीक है फटाफट से अंदर चलते हैं और जेठे को कैसे भी करके रोक लेते हैं। अरे अरे एक सेकंड, अरे भाई छुप जाओ। यार वो तो मैं हूँ भाई, ये वाले टाइम को कैरेडी पाए। ओ भाई बच गया, अच्छा उसने मुझे देखा नहीं। मुझे मालूम है गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं वो वाले कैरेडी पाए से क्यों छुप रहा हूँ। तो गाइस समझो, अगर इस टाइमलाइन की कैरेडी पाए ने मुझे देख लिया ना, तो टाइमलाइन में बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ, समझ रहे हो। तो जब तक मैं जेठे को रोक नहीं लेता ना, मुझे इसे छुप के रहना पड़ेगा भाई। पता नहीं ये वाला कैरेडी पाए अभी पता नहीं कहाँ जा रहा है। चलो अच्छा इसको बाहर जाने दो। फाइनली गाइस यस, मैं वापस अपने पुराने वाले घर पे आ चुका हूँ यार, कितना अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं नहीं बता सकता आपको यार। देखो इस साइड मेरा कमरा था,
ये भी अपन देखने चलेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस फटाफट से अपन अंदर जाके देखते हैं। ओ माय गॉड यार, ये मुझे याद है, यहाँ पर रोज सुबह आके मैं योगा करता था ऐसे ऐसे करके। और ये मेरा प्यारा पोस्ट बॉक्स, अरे इसमें तो चिट्ठी भी आई हुई है। भाई किसकी चिट्ठी है ये, ये क्या लिखा है भाई, पता नहीं क्या है भाई, वापस रख दो, अपने वाले तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। बाकी यार क्या बात है यार, क्या मस्त घर बनाया था मेरी कसम से, सारी की सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। ये देखो गाइस, ये मेरी सब्जी काटने की मशीन, ये मेरा पान मसाले का डब्बा, उस टाइम मैं ना गुटखा खाता था ये भाई। और यहाँ पर देखो गाइस, ये किचन अपना प्यारा सा, एक सेकंड देखिए क्या बना है, अरे पाव भाजी बनी हुई है। मुझे याद है गाइस दिवाली के टाइम में मैंने बागों को बोला था पाव भाजी बनाने के लिए, तो देखो उसने यहाँ पर पाव भाजी बना रखी है। यार सही में यार क्या मस्त, यहाँ पर बैठ के मैं खाना खाता था, सही बता रहा हूँ, बहुत सुकून मिलता था मुझे। एंड यहाँ पर मेरा आलीशान सा सोफा, क्या दिन थे यार, यहाँ पर रोज 9:30 बजे आके यहाँ पर लेट के मस्त तारक मेहता देखो। अभी भी आ रहा है क्या? अरे हाँ भाई आ रहे हैं, पुराने एपिसोड आ रहे हैं इस पे अभी। चलो भाई मैं अभी यहाँ पर आ गया, तो मैं सारे के सारे एपिसोड निपटा दूंगा। बाकी यहाँ पर क्या था भाई? अरे हाँ यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक्वेरियम बनाया था अपनी मछलियों के लिए, और ये मेरे गाइस पेट्स, और ये देखो मेरी प्यारी सी बिल्ली जिसको सास बहू की सीरियल देखने में बहुत मजा आता था, इतना मिस किया मैंने सबको। आपको पता नहीं है गाइस, ये तोते बहुत बदमाश है, मैं जब भी नए कपड़े पहनता था ना तो ये साले मेरे कंधे पे आके पोटी करते करते थे। छी, और ये देखो अपना प्यारा दया, और भाई दया क्या हालचाल? ये देखो पहले भी भाव नहीं देता था और अभी भी नहीं दे रहा है। और अब अंदर चलते भाई, ये देखो मेरा छोटा सा फार्म जहाँ पर मैं डुक्कर वगैरह ये सबको पालता था। अरे 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 मुझे दबाओ मत, क्या कर रहे हो भाई, ये तो मेरी जान ले लेंगे। यार इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई यार, लेकिन क्या ही तो मजा आता था, रोज सुबह आओ डुक्करों के पिछवाड़े पे मारो और फिर गाय का दूध निकाल के मस्त उसमें बोर्नवीटा मिला के पी जाओ, तभी तो गाइस उस टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अभी देखो कितना कमजोर हो चुका हूँ, कुछ भी नहीं बचा है बॉडी में, देखो पूरा पतला हो गया हूँ, लगता है मुझे भी 75 डेज हार्ट चैलेंज लेना पड़ेगा। पूरी देखो, अरे भाई बिल्ली क्या कर रही है तू, यार तेरी मुंडी फंस गई क्या भाई, ऐसा डरा मत भाई, निकल जाए यहाँ से, पता नहीं क्या हो गया इसको, अपन तो भाई आगे बढ़ते। यार दया साइड में हट यार, तू मेरा रास्ता ब्लॉक मत कर यार। चलो भाई अपन अब आगे का टूर मारते हैं, लेकिन एक सेकंड, अरे ये दोनों नमूने कौन है भाई? यार मुझे याद है लोगों ने ना उस टाइम मेरे ना घर को धर्मशाला बना रखा था, लेकिन ये दोनों कौन है? अरे हाँ गाइस याद आया, कभी आपको याद हो तो जेठे ने ना अपने से ना आईफोन मांगा था, तो बताओ अपन ने क्या करा था, इन दोनों की किडनी निकाल के ना उसको आईफोन गिफ्ट कर दिया था, और इनको पता भी नहीं लगा। अबे नमूनो निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी किडनी निकाल के आईफोन खरीद लूंगा, वैसे भी अभी आईफोन 15 लॉन्च हुआ है। चलो भाई टाइम पास खेले, बाकी का टूर मारते घर का। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अबे तेरा मालिक बोल रहा हूँ, मालिक याद नहीं है क्या? नहीं यार इसको मेरी शक्ल याद नहीं है क्या? सेम ही तो दिख रहा हूँ मैं, वो पास्ट वाले, ये अभी के टाइम वाले कैडी बॉय जैसा सेम ही तो दिख रहा हूँ मैं। यार इसकी बदमाशी जाएगी नहीं, मांगा की बहुत मारूंगा देखो पकड़ के। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अबे सुपारी तू ही खाता होगा, निकल जा यहाँ से, क्या बदतमीजी करता भाई, पागल वागल है क्या? देखो देखो पता नहीं क्या कर रहा है, टोपी उतार के पहन रहा है, पता नहीं क्या हरकत है, पहले जा रहा है भाई। तो अपने खेत संभाल भाई, बहुत सारी फसल उगा ली इसने तो यहाँ पर, यार फैंटास्टिक काम चल रहा है इसका तो। अरे भागा तू तो बहुत ही ज्यादा मेहनती हो गया यार, सिस्टम फाड़ देंगे। इसने ये क्या नई चीज सीख ली भाई, सिस्टम फाड़ देंगे? अरे भाई तू किसके बारे में बोल रहा है? एल्विस बॉय, चुप कर जा बे पागल है क्या तू यार। वैसे भागा मुझे एक बात बताएगा, यहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है अभी? यार गाइस कितना भी वक्त बदल जाए लेकिन ये बाघा नहीं बदलने वाला, कभी कभार तो ये मुझे डाउट में डाल देता है कि मैं इसका नौकर हूँ कि ये मेरा नौकर है। बाकी देखो गाइस ये अपनी घड़ी जिसपे अपन रोज 9:30 बजे देख कर ना तारक मेहता देखते थे। एंड यहाँ पर है अपना प्यारा सा तालाब भाई, यहाँ पर रोज सुबह आकर ना मैं अपने दया के लिए ना मछली पकड़ता था, क्योंकि दया ना नाश्ते में मछली खाता था। और गाइस यहाँ पर है मेरा स्विमिंग पूल में कूदने का जंपिंग बोर्ड, क्या मस्त फीलिंग आ रही है यार, बाबूजी इतना मुझे नहाने का बोलते हैं, अब तो मैं 100% यहाँ पर 5-5 घंटे रहूंगा भाई। ओ कछुओ क्या हालचाल यार, यहाँ की थोड़ी सी मछलियाँ कम हो गई है भाई। चलो कोई ना मैं आ गया हूँ ना, यहाँ पर इतनी सारी मछलियाँ भर दूंगा ना किसी ने सोची नहीं होगी, क्योंकि बस तालाब था यार भाई, यहाँ पर ही नहाओ और यहाँ पर ही बैठ के टट्टी कर दो, किसी को मालूम ही नहीं पड़े। ये देख लो गाइस आप सबका प्यारा घर, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है भाई, ये घर आप सबका भी है, तो कभी आप चाहते हो तो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन भाई उसके लिए किराया देना पड़ेगा, फिर भी थोड़ी ना रहने दूंगा कोई मैं। और एक सेकंड ये सिर्फ ढेरी होती है क्या यार, ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं करा। अब अपन चलते हैं ऊपर भाई, ऊपर मेरा कमरा है, चलो चलो चलो। ओ माय गॉड भाई, अरे कौन आ गया? अरे जेठिया क्या हालचाल भाई भिड़ू, वैसे मैं बताऊँ तेको मैंने मिस नहीं किया, लेकिन यार तेको देख के पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहुंचा सातवीं फेल, यार इसकी बदतमीजी अभी भी नहीं जाएगी। अरे भाई किधर जा रहा है? ये देखो महाराज कितना आलसी है भाई, सो गया। ओ भाई उठ जा भाई, आज दिवाली है भाई, कुछ काम धंधा कर ले। बताएगा इस इतनी जल्दी बताओ क्यों सो गया है? रात में ना ये यहाँ पर ना बम लगाने का सोच रहा है, उससे पहले ना अपने को इसको रोकना पड़ेगा। क्या नाटक कर रहा भाई सोने का, देखो तो सही, ये जैसे गाइस यहाँ पर बम लगाएगा ना अपन इसको ना यहाँ पर रोक देंगे, तब तक अपन थोड़ा सा वेट करते। अरे वेट क्यों करे भाई, एक काम
करते ना चल के ना बाबूजी का कमरा देखते भाई। मेरे बाबूजी पता नहीं कैसे होंगे। सही में ऐसा लग रहा है कि मैं बाबूजी से ना तकरीबन 2 साल बाद मिल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भाई मैंने अपना कमरा तो देखा ही नहीं ये चक्कर में। ये देखो गाइस, मैं यहाँ पर ना ऐसा लिख कर रखता था चप्पल यहाँ उतारे, और उसके बाद चप्पल उतारने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता था। और यार कितना मस्त और आलीशान कमरा बनाया था मैंने यार। ये देखो क्या मस्त नजारा है यहाँ पर, और इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है मैं क्या बताऊँ आपको यहाँ से। बाकी ये जो है ये है शादी का सूट, जो मतलब मैंने ना जेठे की शादी के लिए खरीदा था, जब ये बुढ़बक की शादी होगी ना जब इसको अपन ये पहनेंगे। और ये है मेरी छोटी सी अलमारी जिसके अंदर बाकी के कपड़े भी रखे हुए हैं। और एक सेकंड भाई, ये क्या है? पैसा। चलो भाई रख लेते, किसी को क्या ही मालूम पड़ेगा क्या कर रहा हूँ मैं, अपने घर में चोरी कर रहा हूँ। बाकी मुझे याद है ये फ्रिज जो है मैंने अमेजोन से खरीदा था, और यहाँ पर इसमें कितना सारा खाना रखा है भाई। ये सब क्या है? दारू। यार ये जरूर 110% जेठे का काम है भाई, या फिर हो सकता है कि अपने बाबूजी ने भी पीना चालू कर दिया हो। बाबूजी से याद आया, बाबूजी शायद ऊपर ही होंगे, चलो चल के देखते हैं भाई। लिटरली मेरे दिल में एकदम धक धक हो रहा है। बाबूजी किधर हो? यार ये बाबूजी सो रहे क्या? बाबूजी अरे सो गए क्या? हेलो बाबूजी। यार लगता है घरेलू में सो रहे हैं अभी। बाकी गाइस आपको याद है ना ये अपने बाबूजी का कमरा है, और वैसे ये कमरा जेठे का भी है, वो यहाँ पर सोता है। लेकिन देखो साला बुढ़बक कितना बदमाश है, देखो अभी वहाँ पर सो रहा है मेरे कमरे में। और यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबूजी के कमरे में कुछ तो सेटिंग चेंज हुई है। हाँ यहाँ पर सोफा था पहले, अब यहाँ पर कुर्सी आ गई है। लेकिन यार मुझे बाबूजी से मिलना है। बाबूजी उठो। वो बाबूजी उठ गए। बाबूजी मुझे पहचाना? यार ये बाबूजी मुझे पहचान नहीं रहे क्या? पर जो भी हो बाबूजी को ये रूप में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है यार। बाबूजी पाए लागू। क्या बोल रहा है यार? मैं जिस भी टाइम में चले जाऊं, लेकिन बाबूजी मेरे को ताना माना नहीं छोड़ेंगे। चलो गाइस अपन चल के ना जेठे को रोकते हैं सबसे पहले तो। अरे एक सेकेंड, जेठे कहाँ भाग गया? ओ भाई अभी यहाँ पर ही तो था भाई, वो कहीं नीचे तो नहीं है? कहीं यार तूने जेठे को कहीं देखा क्या? पहली फुर्सत में निकल। अरे तो पागल हो चुका है यार, मुझे लगता है वो 100% ना TNT बॉम्ब लेने गया होगा। रुक जाओ उसको आने दो, इस बार तो उसको मैं किसी भी तरह रोक के रहूंगा भाई। आने दो भाई आने दो। अरे एक सेकेंड, ये चलने की आवाज किसकी आ रही है अभी? ओ भाई ये तो मैं आ रहा हूँ यार। शिट मेरे को यार छुपना पड़ेगा। कहाँ छुपू? शायद मैं ना गाइस ऊपर ही आ रहा हूँ यार। एक काम करता हूँ इसको तोड़ता हूँ और यहाँ पर आके ना छुप जाता हूँ। तो जल्दी से इसको यहाँ पर लगा दो। यार गाइस ये मैं ऊपर क्यों आ रहा हूँ यार? अरे भाई क्या करने आ गया मैं इधर ऊपर? अच्छा शायद मैं इधर पैसे निकालने आया हूँ दिवाली की शॉपिंग के लिए। लेकिन गाइस एक सेकेंड, अपने तो वहाँ से वो पैसे चुरा लिए थे यार। मेरे यहाँ पर 150 रुपए रखे थे, वो कहाँ चले गए? ये जरूर काम जेठा का होगा। जा यार कैडी पाई जल्दी से जा नीचे। चलो भाई ये गया, अब मुझे लगता है गाइस ये आधे घंटे बाद ही आएगा, क्योंकि गाइस मुझे याद है इस टाइम ना मैं दिवाली की शॉपिंग करने गया था और फिर एग्जैक्ट आधे घंटे बाद ही आया था, तो अपने पास बहुत ही अच्छा टाइम है। और गाइस वो टाइम के अंदर मुझे ऐसा कुछ तो प्लान करना पड़ेगा जिससे अपन जेठे को भी रोक ले, और फिर वो जो कैडी पाई है ना उसका भी काम तमाम कर दे, तभी तो अपन यहाँ पर जिंदगी भर रह पाएंगे भाई। ओके तो गाइस मुझे यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है वेट करते करते, और आप देख ही सकते हो देखो यहाँ पर कितनी सारी दिवाली की सजावट हो चुकी है भाई। यार मुझे याद है ये सब मैंने अपने हाथों से लगाई थी, तो अपने काम करते हम चल के ना फटाफट से नीचे चलते हैं, चल के ना जेठिया को रोकते। चलो चलो वैसे ये बता रहा हूँ किसी भी हाल में जेठे को रोक के रहूंगा कि नहीं। सेकंड जेठिया है किधर? और यहाँ पर मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा ना सामना नहीं हो जाए ओल्ड कैडी पाई से, क्योंकि अगर ओल्ड कैडी पाई से सामना हो गया ना भाई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। ओ भाई साहब पीछे भी मैंने कितनी सारी सजावट की थी यार, ये देखो। और एक सेकंड ये सब कोरे। अरे हाँ मुझे याद आया गाइस, मैंने ना सोसाइटी वालों के लिए ना दिवाली पार्टी रखी थी, तो शायद ये सब वही लोग हैं। लेकिन एक सेकंड वो पुराना वाला कैडी पाई किधर है? अरे अरे शिट वो देखो गाइस उधर ही खड़ा हुआ है, लगता है सोसाइटी वालों से कुछ तो बात कर रहा है भाई। अरे गाइस ये तो उधर ही आ रहा है, अपन एक काम करते हैं फटाफट से ना यहाँ पर ना ये पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ पर इतनी सारी भेड़ बकरे हैं, इनके बीच में अपन छुप जाएंगे ना तो कोई अपने को देख नहीं पाएगा भाई। अरे डुक्कर छी क्या कर रहा है पाग मत भाई, इधर मरमर जाऊंगा मैं इधर। यार पता नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ इधर, यार मैं यहाँ से कब जाऊंगा भाई। यार पता नहीं ये पुराने वाला कैडी पाई यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, यार ये कब जाएगा यहाँ से। अरे 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 भाई क्या कर रहे हो, मुझे धक्का मत दो यार। यार गाइस आप देख रहे हो कितनी मुसीबत उठाना पड़ रही है मुझे इधर, ये डुक्करों का पिछवाड़ा मेरे मुंह पे लग रहा है यार। छी अरे वो देखो गाइस ये ओल्ड कैडी पाई कहीं तो जा रहा है। अरे हाँ याद आया मेरा इस टाइम पर ना दिवाली के बम फोड़ने गया था बाहर। ओके तो यही सही टाइम है, अब बस सब लोग जेठे को रोकना है। 110% जेठे ना अभी यहाँ पर आके ना बम लगाने वाला है। अरे ये कौन है? अरे ये तो गोली है। अरे गोली बेटा मस्ती नहीं, तो एक काम करते हैं जल्दी से ना अपन यहाँ पर ना कहीं पर टॉप पे जाके बैठते हैं और ना जेठे को देखते हैं कि जेठे यहाँ पर क्या करेगा। ओके तो गाइस अभी आप देख ही सकते हो कि मैं यहाँ पर ना आके छुप गया हूँ, क्योंकि मुझे ना मालूम है इसी टाइम पर ना जेठे ना यहाँ पर ऊपर आया था और उसने यहाँ पर TNT लगाए थे ताकि वो मेरा घर को फोड़ सके। जेठे आ गया। और भाई देखो, और देखो गाइस क्या बदमाशी कर रहा है ये देखो। बाप रे बाप यार कितना बदमाश आदमी है जेठिया, जिस घर में रह रहा है वही घर को ना TNT से उड़ाने का इसने प्लान किया था। यार ऊपर वाले ऐसा कमीना भाई किसी को मत देना,
वो देखो 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 कैसा ट्रैप बिछा रहा है यार, सही में बदमाशी की हद है। रुक जाओ इसको यहाँ पे पूरी साजिश करने दो, अपन यहाँ पर छुप के देखते रहते हैं। और भाई आज तो किसी भी हाल में ना मैं इसका प्लान जो है ना उसको फेल करके ही रहूंगा। देखो भाई गया वो गया, तो चलो अपने काम करते हैं, इसके यहाँ पर जाने का वेट करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये ना डायरेक्ट वहाँ जाएगा बाहर, और बाहर जाकर ना एक लीवर लगा देगा, और वो लीवर को दबाने से ना अपने को ना वो पुराने वाले कैंडी बाय को रोकना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन घर के अंदर पहले घुसते भाई, और ना गाइस अपन साथ में ना एक और काम कर सकते हैं। ये देखो जेठा ने ना यहाँ पर कितने सारे टीएनटी और पुराना यहाँ पर ना जाल बिछा दिया है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसका जो जाल है ना इसको पूरा तोड़ देते हैं। अगर अपन यहाँ से कनेक्शन ही तोड़ देंगे ना, तो वहाँ से अगर कोई लीवर भी दबा देगा ना तो ये एक्टिवेट ही नहीं होगा। चलो अभी अपना पहला प्लान तो एग्जीक्यूट हो गया है। और गाइस आपको लग रहा होगा कि मेरे जेठा की साजिश फेल कर दी है, तो ऐसा नहीं है, अभी अपना एक ही मिशन पूरा हुआ है, अभी ना अपने को दूसरा मिशन भी एग्जीक्यूट करना है, और उसके लिए अपने को जेठिया को ना दारू पिलाना पड़ेगी ताकि वो बेहोश हो जाए। तो चलो फिर जल्दी से अपन दारू लेके आते हैं, यहाँ पर शायद फ्रिज में रखी थी। हाँ देखो ये रही, ये जल्दी से जाके अपन जेठे को ऑफर करते और उसको टून कर देते। अरे ओ जेठिया ये देखो कोई आ रहा है यार। जेठिया आज ना दिवाली है, तो तू एक काम कर यार, ये ले दारू पी और मजे कर। हाँ पीले अच्छे से पीले, दिवाली मजे कर मेरे लाल। अरे बस कर भाई, कितना पिएगा यार। गाइस ये तो टून ही नहीं हो रहा है यार, शायद इसे कुछ तो हो रहा है यार। गाइस किधर जा रहा है भाई, लगता है दारू का असर हो रहा है। अरे देखो भाई ये तो टून हो गया। चलो भाई बढ़िया, और जहाँ तक मुझे याद है जेठा ने ना अपने जाल में ना मेरे को यहाँ पर फंसा दिया था, मैंने ना ये वाला बोर्ड पढ़ा और ये लीवर दबा दिया था। देखो ये बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ये लीवर को दबाओ मजा आएगा। तो एक काम करते गाइस, वाले कैडमे को अपन आने देते हैं और उसको ये वाला लीवर दबाने देते हैं, और यहाँ पर ये लीवर की मदद से मैं एक ऐसा ट्रैप लगाने वाला हूँ गाइस जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो रुको जरा, सबर करो, सब समझ में आ जाएगा कि अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। ओके तो गाइस मैंने अभी ना थोड़ा प्लान मैंने चेंज कर दिया है। ये देखो वो जेठा ने जो लीवर यहाँ पर लगाया था ना, उस लीवर को मैंने खसकर कर यहाँ पर लगा दिया है, और इस पे लिख दिया है इसको दबाओ मजा आएगा। और ये मैंने क्यों करा है इसका बस आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी बस अपने को क्या करना है, अपने को कहीं ऊंची जगह पे जाके छुप जाना है और वहाँ से देखना है। तो लोग काम करते हैं, अपना जो गैरेज है ना इस पर छुप जाते हैं, यहाँ पर सही है। अरे वो देखो गाइस ये पुराना कैनेडी भाई यहाँ पर आ गया है, और देखो यहाँ पर ये कुछ तो सोच रहा है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने भी जब यहाँ पर आया था ना मैंने वो लीवर दबा दिया था, तो गाइस ये वाला जो कैनेडी भाई है ना ये 110% ना वो वाला जो है ना ये बटन दबा ही देगा, और जैसे ही बटन दबाएगा तो गाइस बस देखना क्या होता है। चलो ओके, तो गाइस ये दबाने जा रहा है, दबा जल्दी दबा दे। ओ यस फैंटास्टिक यस गाइस, अपना प्लान एग्जीक्यूट हो गया, और अपन ने इस टाइम की कैनेडी भाई को ट्रैप कर लिया है, और वो वाले कैनेडी भाई की जगह गाइस अपन यहाँ पर ले सकते हैं, और अपने पूरे घर पे अपन आराम से ना यहाँ पर राज कर सकते हैं। क्या बात है, फैंटास्टिक। अब अपने को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है भाई। यार इस जेठा ने सब जगह टीएनटी लगा दिए थे, घर की पूरी 12 बजा दी थी यार। लेकिन चलो भाई फाइनली अपन ने अपने घर को बचा लिया, यस। तो ये बाघा और दया और जेठा इन सबकी 12 बजा दूंगा, और बाबूजी भी जो इतनी छड़ बच्ची दिखाते ना उनको भी मैं सीधा कर दूंगा भाई। तो गाइस इस तरह फाइनली मैंने अपने पुराने वाले घर को जेठा की साजिश से बचा लिया, और अब क्योंकि मैं अपने पुराने वाले घर में आ चुका हूँ तो अब तहलका मचने वाला है मेरी जान, बिकॉज ओल्ड कैनेडी पाय इज बैक। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।